आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 1926 में 23 दिसंबर को निधन हो गया था। आर्य समाज के सन्यासी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1920 के दशक में समाज सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने 16 मई 1900 में गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की, जिसे बाद में हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1919 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान वे गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में उतर आए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और जब एक सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाने की धमकी दी तो वे सीना तान कर खड़े हो गए और उसे गोली चलाने की चुनौती दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीबों की हालत में सुधार के लिए काम किया। महात्मा गांधी के शब्दों में वे एक नायक की तरह जिए और एक नायक की तरह ही शहीद हुए। जिंदगी खपा गया अपनी और किसानों के सम्मान में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चरण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। 1930 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। आजादी के बाद चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। उन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1979 में भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हम इस महान राष्ट्रवादी और किसानों के नेता को सलाम करते हैं। भारत के 44वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अभिवादन करता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकतंत्र की महिमा है, आपका आशीर्वाद है और मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज इस ऐतिहासिक लाल किले से आपको संबोधित कर रहा हूं। 23 दिसंबर को पीवी नरसिम्ह राव की पुण्यतिथि भी है। 28 जून 1921 को जन्मे नरसिम्ह राव ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पीवी नरसिम्हा राव 1930 के दशक के अंत में हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1991 में आर्थिक सुधारों की नींव रखने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनः एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नरसिम्हा राव एक कुशल भाषाविद भी थे। राव की मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन उनका 8 भारतीय भाषाओं और 8 विदेशी भाषाओं पर भी उत्कृष्ट अधिकार था।